पार्ट सिक्स के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि ह्यून को 20 साल की सजा होती है गोयून को इंटिमिडेट करने के लिए। तभी हमें पता चलता है कि ये एक ह्यून का सपना था और इधर कंपनी में ये नाज गोयून की बहुत तारीफ कर रही थी और उसे हर एक चीज के लिए अप्रिशिएट कर रही थी, लेकिन ह्यून इससे बार बार डिसएग्री कर रहा था गोयून को अवॉइड करने के लिए और यहाँ बैठे ये दोनों को काफी अजीब लगता है। तो फिर गोयून ह्यून के पास जा बोलती है कि कल उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया और हमें पता चलता है रात में ह्यून ने उसे किया था बट वो भाग गई थी। हमें दिखता है उसके जाने के बाद ह्यून नशा कर रहा था जिसकी आज रात वाली बकबक जोंगसुक सुनता है और उसे उसके घर भी लेकर आता है। ह्यून प्रेजेंट में बड़े अजीब वर्ड्स में गोयून को सॉरी बोलता है। गोयून बाहर जाती है और उसे जाते ही किस याद आती है, दरअसल वो भागी नहीं थी, उसका चार्ज खत्म हो गया था। और हमें दिखता है रात में स्विल भी किस से बहुत ज्यादा ही खुश थी और वो सुबह होते ही कैफे जाती है जहाँ कॉफी पीने के बाद भी स्विल भी गोयून नहीं बनती क्योंकि उसकी हार्ट रीचेस कम हो ही नहीं रही थी और मिस्टर ज़ुन उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। और हमें प्रेजेंट में दिखता है कि ये ना गोयून से बड़ा अच्छा बिहेव कर रही थी और गोयून को कैसे भी करके मून से चिपकाने की कोशिश। उधर ह्यून आता है जो टोटली गोयून को अवॉइड करता है। यहाँ गोयून बहुत परेशान थी कि वो ऐसे क्यों कर रहा है। ये ना इधर ह्यून को टाई देती है जो कि उसने कल खरीदा था, लेकिन ह्यून उसे टाल देता है ये कहकर कि उन्हें मून की मदद करने जाना है। जिधर वो लोग मून के पास आते हैं जहाँ वो प्रैक्टिस कर रहा था, ये ना ही उनको बोलती है गोयून और मून डेट करे तो कितना अच्छा होगा ना। इधर बार बार ये ना मून को गोयून से डेट करने को बोलती है। मून पूछता है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। ये ना बोलती है इसलिए क्योंकि वही मेरे रास्ते का कांटा है और वो उसे भी एक टाई देकर चली जाती है, जो देख मून बहुत हैप्पी हो जाता है। इधर डोंगु पाका से चैट कर खुश हो रहा था, उसे क्या पता था कि ये वही लड़की है जिससे वो मिल चुका था। और इधर आज की सारी गोयून और ह्यून की एक्टिविटीज को जोंगसुक देख रहा था और डोंगु और जोंगसुक का काम खत्म होने पर वो लोग ह्यून से जाने के लिए पूछते हैं और जोंगसुक ह्यून को एक ट्रॉफी ले जाकर देता है और वहाँ मून भी आकर बोलता है कि वो काम पे जा सकता है। तो ह्यून सोचता है कि तू जल्दी निकल जा। ह्यून गोयून के हाथों में वही सेम पट्टी देखता है जो कि उसने सुलभी के पास भी देखा था, बट गोयून बात घुमा देती है ये कहकर कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है तो मूड दोनों का सेम ही है। ह्यून मान जाता है और ह्यून उसे बताने जा रहा था कि वो गलत कर रही है बट वो उसे बताने के फिरहार में उसके काफी क्लोज हो जाता है और वो बोलती है उसे कल काम करना है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ह्यून को हर जगह दिख रहा था कि गोयून बोल रही थी कि उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। हम देखते हैं स्विल भी डोंगु और जोंगसुक तीनों डिनर कर रहे थे जहां पार्क आकर डोंगु के पास डोंगु को पगला रही थी, लेकिन डोंगु को ये पनिशमेंट से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। जिधर स्विल भी को पैर में चोट आ जाती है तो डोंगु उसके साथ जाना चाहता था बट पार्क उसे जाने नहीं देती। इधर स्विल भी दवा लेने आई थी जिधर पहले से ही ह्यून भी था, उसे देख स्विल भी चली जाती है। ह्यून उसके लिए उसके पैर के दवा को लाता है और उसे रोकता है और उसे पूछता है कि क्या उसने काम पे क्विट कर दिया है। तो स्विल भी बोलती है कि क्या गोयून वहाँ काम करती है, तो ह्यून बोलता है कि तुम ही उसे बात कर लेना। यहाँ मून ह्यून के घर पे था जहाँ ह्यून को देख मून बोलता है कि तुम इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो, तो ह्यून बोलता है तुम मेरा स्ट्रेस हो और वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। इधर ये ना और मून पुराने दिन के खाने की बात कर रहे थे जहाँ मून उसे अपना दिल निकाल के देता है बट वो उसे शूट कर देती है। रात में फिर से गोयून का सपना आने पर ह्यून मून के साथ हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसे कोई बीमारी निकलती है। ह्यून मून को सबको बताने को मना करता है बट अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ मून ने सबको आकर ऐलान कर दिया था कि आखिर ह्यून को कुछ हुआ है। ह्यून सो गया था बट गोयून उसके घर आकर उसके खाने के सामान को सेट करने लगती है कि ह्यून क्या क्या खाएगा और उसे ये भी बताती है कि उसे पता है कि उसको क्या हुआ है, जिसे ह्यून बहुत ज्यादा एम्बेरस था। वो अपने लाए गए अंडे को तोड़ने लगती है एक डिश बनाने के लिए बट वो उसे ऐसा नहीं करने देने के आड़ में उसे नीचे गिरवा देता है। तभी बाहर मून के खानदान की सारी महिला आ जाती है और ह्यून सारे खाने को छिपा देता है और गोयून को छिपने को बोलता है। वो सारी महिला आते ही खाना को देख भांप लेती है कि यहाँ कोई तो लड़की है और सारी औरतें मिलकर गोयून को खोज लेती है और ह्यून दूसरे रूम में जाकर गोयून को कॉल करके अंदर आने को बोलता है और आते ही उसे बोलता है डेट करने को। तो गोयून बोलती है कि वो तभी करेगी जब वो जोंगसुक और डोंगु को एक कॉम्प्लीमेंट डेली देगा क्योंकि वो लोग थक जाते हैं, तो ह्यून ना जाते हुए भी ओके कर देता है। दूसरे ही पल ये लोग बाहर आते ही इन्हें बताते हैं कि वो लोग डेट कर रहे हैं। ये सुन तो ये लोग हैरान थे कि अभी अभी बस इनका एक सादा सा रिश्ता था और अब ये डेट करने लग गए और वो लोग अपने गैजेट से इनका सच का पोल खोलने लगते हैं। तभी गोयून की बैटरी खत्म होने लगती है
है। वो बोलती है कि उसे जाना है, बट वो लोग अपनी बक बक फिर से चालू कर देते हैं। तो ह्यून गो इनको पकड़ के बाहर लेकर आता है और वो वहाँ जैसे तैसे करके टैक्सी में बैठती है और उसे ह्यून का मैसेज आता है कि आज के लिए थैंक यू। गाइज, आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और जैसे टैक्सी वाला उसे सिल्वी बना देखता है वो हैरान ही रह जाता है। इधर मून गलत समझ लेता है कि पब में बैठा आदमी येना को देख रहा है जबकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख रहा था। वो उसे पंगा ले लेता है पर पता चलने पर वो उसे माफी भी मांगता है और येना उसको बोलती है कि क्या उसे म्यूजिशियन नहीं बनना। यहाँ गो ह्यून ने ह्यून को मैसेज किया था कि वो सेफली पहुंच गई। सुबह होते ही ह्यून बात करते हुए जा रहा था जहाँ वो मून को दौड़ता हुआ पाता है और वो उसका पीछा करता है और वो देखता है कि गो ह्यून उसकी बाहों में गिरी हुई है। और हमें पता चलता है कि सिल्वी को देखकर मून उसके पीछे गया था, बट वो जैसे देखता है कि वो गो ह्यून बन गई तो वो चकराने लगता है और यही ह्यून देख लेता है और मून बहुत ज्यादा डर जाता है। बट गो ह्यून उसे प्रॉमिस लेती है कि वो किसी को भी ना बताए। इधर ऑफिस में ह्यून बड़े गुस्से में था जिधर वो मून से पूछता है, बट मून उसे पता ही नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा हताश में था। और हमें पता चलता है कि इन्हें 2 दिन के वीकेंड के लिए कहीं जाना है। तो गो ह्यून कैफे आकर मिसेज ह्यून से ऐसी तरकीब मांगती है कि जैसे वो 2 दिन के बाद तक डिसअपीयर ना हो, लेकिन मिसेज ह्यून बोलते हैं वहाँ बैठी लड़की को वो अगर उससे पैचअप करवा देती है तो वो कुछ सोचेगा। ये ना इधर मून को 2 टिकट्स देती है जिससे कि वो और गो ह्यून साथ जाकर फन करे और साथ ही साथ वो लोग करीब हो जाए, बट ये देख मून को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इधर वो औरत गो ह्यून को बोलती है कि उसे कोई भी मर्द पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन गो ह्यून मिसेज ह्यून को जाकर बताती है कि उस लेडी को उस पे इंटरेस्ट है, जो सुन वो खुश हो जाता है। इधर ह्यून डोंग वू जोंग सुप साथ खा रहे थे जहाँ मून और गो ह्यून नहीं थे, तो डोंग वू को डाउट होता है कि कहीं वो दोनों टुगेदर तो नहीं हो गए और ये सुन ह्यून गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इधर डोंग वू अपनी चैटिंग महिला से चैट कर रहा था और उसको किस कर रहा था, तभी वहाँ पार्का आकर उसे परेशान करने लगती है और बोलती है कि उसे उससे रात में मिलना है और बातों बातों में वो गो ह्यून का नाम ले लेती है। तो डोंगू बोलता है कि तुम उसे कैसे जानती हो, तो पार्का बताती है वो दोनों ही मेरी दोस्त है और फिर वो चली जाती है। इधर ही उन बड़े अपसेट मूड में गो ह्यून को खाना ला कर देता है। यहाँ मून को स्विल भी 30 बार बता चुकी थी बट फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो गो ह्यून ही है। वो उसे बताती है कि उसका ह्यून पे बहुत बड़ा क्रश है और वो फिलहाल तो अभी किसी को कुछ ना बताए। तो मून बोलता है ओके तुम्हारा सीक्रेट सेफ रहेगा। यहाँ ये ना ऑफिस ह्यून के लिए खाना लेकर आई थी। इधर हमें दिखता है कैफे में सिल्वी मून को भी लेकर आई थी, तभी वहाँ ह्यून आ जाता है। दोनों छिप जाते हैं और सिल्वी को ह्यून पकड़ लेता है और उनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इधर सिल्वी को पार्क आ घर पे बोलती है कि उसे भी ट्रिप में ले जाने को क्योंकि उसे डोंगू के साथ मजे करने हैं, बट सिल्वी नहीं मानती। नेक्स्ट मॉर्निंग ये सारे जा रहे थे जहाँ गो ह्यून सबको ब्रेकफास्ट देती है। ह्यून को भी देना चाहती थी बट वो नाश्ता डोंगू खा जाता है। ह्यून गुस्से में म्यूजिक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। वो लोग ट्रिप में लैंड करते हैं जहाँ ये लोग बहुत इंजॉय करते हैं और हमें दिखता है मिसेज ह्यून अपने कैफे लेकर यहाँ भी पहुंच चुके थे। और ये लोग होटल के अंदर आते ही देखते हैं कि वहाँ येना और मून पहले से ही मौजूद थे। मून और गो ह्यून की फ्रेंडली बातें सुनकर ह्यून जल जाता है और येना बोलती है कि ऐसी ही बात करो तुम लोग और वो चली जाती है। इधर गो ह्यून दरवाजा नहीं खोल पा रही थी तो मून खोलता है जो देख ह्यून फिर से जल जाता है। इधर सारे के सारे बहुत इंजॉय कर रहे थे तो ये ना ह्यून को क्रीम लगाने को उस पे बोलती है लेकिन वो नहीं लगाता और गो ह्यून के पास चला जाता है जहाँ वो सारे मिलकर बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। जैसे वो लोग बाहर आते हैं तो डोंगू का कोई जमीन से पैर पकड़ लेता है और वो कोई और नहीं था बल्कि पार्का थी, जो देख के वो लोग सारे हैरान थे और डोंगू बेहोश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में गो ह्यून जाकर पार्का को बोलती है कि वो क्या कर रही है, कि क्या उसे उसको मुश्किल में डालना है। तो पार्का बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बस डोंगू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती है। इधर गो ह्यून पार्का से सबको इंट्रोड्यूस करवाने आई थी। येना तो बोल देती है कि ये कोई फैमिली पार्टी चल रही है क्या। पार्क आ सब गड़बड़ करने वाली थी कि उधर डोंगू आ जाता है और बोलता है कि उसे सोने जाना है, बट पार्का उसे परेशान करने लगती है। तो डोंगू बोलता है इसकी दिक्कत क्या है। इधर ये लोग खाना खा रहे थे जिधर गो ह्यून कुछ लेने जाती है और वो
सामान उस पर गिरने वाला था तो ह्यून आकर उसे उठाते हुए बोलता है, तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो। यहाँ डोंगू को पार्क का परेशान कर रही थी, जिधर कैसे भी करके ये ना गो ह्यून और मून को गाना गाने के लिए भेज देती है और वो दोनों बड़ा प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हैं। बट उस महफिल से ह्यून चुपचाप आ जाता है। इधर ह्यून के पास मून आता है तो ह्यून पूछता है, तुम गो ह्यून को डेट कर रहे हो। तो मून बोलता है कि नहीं। ह्यून बोलता है, तो तुम लोग हमेशा एक साथ ही क्यों होते हो। तो मून कुछ बताता कि उसे सुलभी का सीक्रेट याद आ जाता है। मून बोलता है कि वो किसी और को पसंद करता है। तो ह्यून बोलता है, तो गो ह्यून का क्या। तो मून बोलता है कि तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि क्या वो तुम्हें पसंद करती है। तो ह्यून पूछता है कि तुम किसे पसंद करते हो। तो मून बोलता है कि रहने दो, मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद देख लूंगा। इधर पार्का ने सारे ड्रिंक पीकर खत्म कर दिए थे तो डोंगू गो ह्यून को मार जाने के लिए ह्यून की कार की चाबी देता है। ये ना पार्का को अपने रूम में पागल वाली हरकतें करते हुए देख बोलती है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। ये ना मून के पास आती है, मून उसको ड्राइव पे चलने को बोलता है बट वो मना कर देती है। बट जैसे ही पार्क की आवाज सुनती है तो बोलती है कि वो जाएगी ड्राइव पे। इधर गो ह्यून भी मार्ट आ गई थी। इधर जोंग शुक और डोंगू ड्रिंक कर रहे थे बट अभी तक गो ह्यून नहीं आई थी और ह्यून अपनी चाबी ढूंढता हुआ आ जाता है और उन दोनों की चोरी पकड़ी जाती है। यहाँ ये ना और मून सी साइड पे थे, जिधर मून उसको आंखें बंद करके लहर की आवाज सुनने को बोलता है। वो गाना गाने लगता है तो उसे लगता है कि ये ना उसको किस करेगी बट उसके गाल पे बैठे मच्छर को मारती है। इधर गो ह्यून शॉपिंग करके आती है बट उसको वहाँ अपनी कार नहीं दिखती। अभी तक गो ह्यून के ना आने के कारण ह्यून हर जगह गो ह्यून को ढूंढ रहा था बट उसे वो मिलती ही नहीं। यहाँ गो ह्यून को उसकी कार मिल गई थी बट उसका चार्ज सिर्फ और सिर्फ 2% ही बचा था। वहाँ ह्यून भी पहुँच जाता है और बोलता है कि तुम छलांग लगाना चाहती थी, तुम्हें पता भी है ये कितना वक्त हो रहा है, आधी रात में तुम अकेले घूम रही हो। और वो उसे डांटने लगता है। नेक्स्ट सीन में गो ह्यून ह्यून को पानी कर देती है तो ह्यून बोलता है कि तुम ठीक हो। वो अचानक से जाने के लिए उसे माफी मांगती है तो ह्यून बोलता है कि वो उस चीज से डरता है जिससे वो हर्ट हो और वो उसे किस कर लेता है और फिर वो भी उसे किस करती है। और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।